कारगिल युद्ध में शहीद हुए लांस नायक अमर शहीद राजेंद्र यादव के बलिदान दिवस पर बीती रात शहीद स्मारक पर शौर्यांजलि निमाण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में निमाण के 11 शहीदों और माताओं और वीरंगना का सम्मान किया गया। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व मंत्री सचिन यादव और खरगोन विधायक रवि जोशी, बढ़वा विधायक सचिन बिरला, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने गंगा दशहरा पर शहीद की वीरंगना और माताओं का गंगा जल से पैर धुलाकर सम्मान किया गया। राष्ट्रीय शहीद समरसता मिशन की अगुवाई में हुए आयोजन में सांसद, पूर्व मंत्री और विधायक मंच के नीचे आम जनता में बैठे हजारों लोगों की मौजूदगी में शहीद परिवार को पुष्प वर्षा कर मंच पर लाया गया और शाल श्रीफल सहित लोगों ने निमाण अंचल के शहीदों को दिल खोलकर सम्मान किया। आयोजन को लेकर भव्य तैयारी शुरू की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जो शहीद हुए बताया, पूरा जिस प्रकार से शहीद होते पूरा परिवार भी शहीद होता है, कथा बताई थी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, आज का आयोजन बहुत ही गौरवान्वित था और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से रहा। इसमें दीदी आज बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, क्योंकि सभी आज उन भैया का बलिदान दिवस भी है और उनकी पीड़ा मेरे से बेहतर और कौन समझ सकता है, क्योंकि आज उनका बोल पाना ही बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने इतनी बात भी आप लोगों के सामने रखी। ये किसी वीरांगना की पीड़ा क्या होती है, ये हम बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ। मैं और इसके आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपको? जी, मैं शहीद जय शहीद कन्हैयालाल जाट की वीरांगना सपना जाट उज्जैन संभाग की संयोजक और मैं रतलाम जिले गुणावद गांव से आई हूँ। धन्यवाद। देखिए, शहीद समरसता मिशन के द्वारा आज शहीद राजेंद्र यादव जी के बलिदान दिवस के अवसर पर ये एक कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर हमारे निमाड़ की धरा पर लगभग 11 जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों की वीर माताओं और उनकी वीरांगनाओं को उनके पद प्रक्षालन करके एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य हम सभी देशवासियों का है। उस कर्तव्य को निभाने का काम हम लोगों ने करा है और जिस प्रकार से मिशन ने जो हमारी वीरांगनाएं हैं, हमारी वीर माताएं हैं, हमारे शहीदों के परिवार हैं, उन शहीदों के परिवारों को के लिए जो जिम्मा उठाया, जो बीड़ा उठाया है, हम सभी वर्ग के लोग, चाहे वो राजनीतिक वर्ग से आते हों, चाहे सामाजिक लोग हों, चाहे समाज के अन्य वर्ग के साथी हों, सब साथी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा ये जो मिशन है, इस मिशन के माध्यम से जो हमारी वीर माताओं, वीर वीरांगनाओं और हमारे शहीद परिवारों के लिए जो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो कर्तव्य इस संस्था ने उठाया है, हम सब अपने अपनी जो भूमिका है वो भूमिका निभा करके और जिन लोगों ने, जिन देश के वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी, हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए हम लोग कुछ कर सकें, ये हम मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ। थैंक यू। जो निमाड़ में एक आयोजन रखा गया और शहीद परिवार का जिस प्रकार से सम्मान किया गया, अद्भुत सम्मान माना जा रहा है, जनप्रतिनिधि भी इसमें मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप सोचे, क्या कहना चाहेंगे? शहीद समरसता मिशन पूरे देश के 11 राज्यों में शहीदों के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए काम करता है। शौर्यांजलि एक अभियान पूरे देश में चल रहा है। देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर वीरों को सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन, उनकी वीर माता और वीरांगनाओं को उनके पैरों को गंगा जल से धोकर के और कृतज्ञ राष्ट्र उनके सामने विनम्र धन्यवाद प्रस्तुत करता है। उसी श्रृंखला में निमाड़ क्षेत्र के चारों जिलों में निवासरत 11 शहीद परिवारों का आज सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन, उनकी वीरांगनाओं को के पैरों को गंगा जल से धो करके किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय सांसद खरगोन श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, पूर्व मंत्री सचिन यादव जी, बड़वाह के विधायक सचिन बिरला जी समेत जो भी दलों से ऊपर जनप्रतिनिधि है, उन्होंने बहुत बड़ा हृदय दिखा करके और मंच पर नीचे स्थान ग्रहण करते हुए शहीद की वीरांगनाओं को सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया। क्या संदेश देना चाहते हैं देश भर में? शहीदों की समस्याओं का समग्र समाधान सरकार के माध्यम से करवाना चाहते हैं।
और उसके लिए जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सभी दलों के उनके चौखट पर माथा झुका करके हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि वे सदन में उस बात को उठाएं। साथ ही समाज से भी ये निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि समस्याओं का समाधान सरकार कर सकती है आर्थिक समस्याओं का, लेकिन सम्मान तो समाज को ही देना होगा, इसलिए ये जागरण का उपक्रम भी समाज के विभिन्न हिस्सों में चलाया जा रहा है। आपने कहा 1 करोड़ रुपए की राशि जो है तुरंत उनके खाते में पहुंच जाना चाहिए। सन 2007 से ही हम देश की संसद से आग्रह कर रहे हैं कि देश की संसद, जिसमें सभी विचारधारा के सांसद हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए विराजमान हैं, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि वो एक संयुक्त कानून बना करके देश में अब तक बलिदान हुए 36,000 बेटों को विनम्रतापूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक जाकर के और 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दे, ऐसा एक केंद्रीय कानून संसद में निवास बैठने वाले सभी सांसद सभी विचारधारा से ऊपर उठ करके बनाएं। हम मध्य प्रदेश में भी निवेदन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 679 बेटे 679 मध्य प्रदेश में शहीद हैं, और इनको मध्य प्रदेश की सरकार, जिसका 3.25 लाख करोड़ का बजट है, उनसे भी हमारा निवेदन है। वैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने 2014 से ही 1 करोड़ का कानून शहीदों के परिवार के लिए बनाया है, लेकिन ये कानून बनने के बाद में जो शहीद होते हैं उनके लिए लागू होता है। जो 679 बेटे हैं उनको भी ये सम्मान निधि दी जाए, ऐसा विनम्र आग्रह हमने माननीय जनप्रतिनिधि मोहन नारायण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।